नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम आपके साथ में जिस सोशल इश्यू के साथ में जुड़ने जा रहे हैं वो आज बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जब हमारे समाज में आफताब और श्रद्धा जैसी घटनाएं होती हैं तब हम जागरूक होते हैं। अगर हम पहले से जागरूक हो तो शायद इस तरह की घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत चर्चा में है। क्या है लिव इन रिलेशनशिप और इस पर भारत का कानून क्या कहता है? मेट्रो सिटीज में लिव इन रिलेशनशिप में रहना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि आजकल लड़के लड़की दोनों इंडिपेंडेंट है और उनको लगता है कि पेरेंट्स उनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो वो कहते हैं अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। ऐसे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप पे कानून क्या कहता है। हालांकि भारत में इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उन्हीं को नजीर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टाइम टाइम पर लिव इन रिलेशनशिप में जो केसेस हुए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए। उन्हीं डिसीजन के आधार पर कुछ कंडीशंस हैं जिसका हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि जो कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं उनकी लीगल एज होनी चाहिए, यानी कि उनकी एज जो भारत का संविधान और भारत का कानून कहता है कि वो 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए, मतलब एडल्ट होने चाहिए, और दोनों अपनी मर्जी से अपनी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। इसके साथ ही वो लगातार उस रिलेशनशिप में रहे, यानी कि एक साथ दोनों का रहना अनिवार्य है। ये नहीं कि कुछ टाइम आप साथ में रहे फिर अलग हो गए फिर दोबारा साथ में आके रहने लगे। हालांकि यहाँ पर कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने साल उनको लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए होना चाहिए, परंतु यहाँ पर यह जरूर कहा गया है कि दोनों लगातार एक रिलेशन में साथ रह रहे हो। इसके साथ ही उनका एक घर में रहना, एक छत के नीचे रहना कंपल्सरी है। दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हो और घर का जो भी सामान है उसका उपयोग दोनों संयुक्त रूप से करेंगे, यानी कि घर में एक बेडरूम है उसका वो इस्तेमाल करेंगे और घर का बाकी जो सामान है उसका वो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे कि एक मैरिड कपल साथ में रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वो दोनों जो है वो घर के कामों में भी वैसे ही एक दूसरे का साथ देंगे जिस तरह से एक मैरिड कपल साथ देता है, और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करना है। और अगर उनका कोई बच्चा होता है अगर उस रिलेशनशिप में रहते हुए तो उसको उसका पालन पोषण भी उनको उसी तरह से करना होगा जिस तरह से एक मैरिड कपल अपने बच्चे की परवरिश करता है, उसको पूरा ध्यान देता है और उसको पूरा लाड़ प्यार देता है। उसी तरह से कहते लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को भी इस तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए वो ये है कि दोनों व्यक्ति पहले से शादीशुदा ना हो, यानी कि अगर कोई है उसका पति है या पत्नी है तो ऐसे लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। अगर किसी का डिवोर्स हो गया है तो वो डिवोर्स कंप्लीटली डिवोर्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिवोर्स का केस फाइल किया है और लिव इन रिलेशनशिप में आपने रहना स्टार्ट कर दिया। अगर इस तरह से आप रहते हैं तो वो लीगली आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से एक मैरिड कपल रहता है, एक साथ एक टाइम पर एक ही रिलेशन में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं और अफेयर है, किसी और के साथ में भी आपके संबंध चल रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को एक ही रिलेशन में कमिटमेंट के साथ में रहना कंपलसरी है। आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर आस पड़ोस को आपकी जानकारी होना चाहिए कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये एक वैध संबंध है और इसकी जानकारी आपको आस पड़ोस में भी देनी चाहिए कि आप लोग एज ए कपल साथ में रह रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपसे पहली कंडीशन कही थी एज की, वो बहुत जरूरी है कि आप ये इस चीज का ध्यान दें कि आप लोग माइनर ना हो, मेजर हो, आपकी जो लीगल एज है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से कम की एज में आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप दोनों के लिए, अगर लड़का है उसकी अगर एज कम है या लड़की है उसकी एज कम है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि लड़की के फैमिली वाले उस माइनर लड़की के लिए आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत आपके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है और आपके ऊपर रेप का आरोप भी लगाया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि आपने लड़की को बहला फुसला कर उसको अपने साथ में रहने के लिए मजबूर किया।
तो ये सारी कंडीशन ना हो इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान दें कि जो एज लीगल बताई गई है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने और कानून ने, तो वो 18 साल से ऊपर की होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप ये सारी कंडीशंस पूरी हैं और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें। सबसे पहले कि अगर आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहने के लिए एग्री कर रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट बनवा लें। इसमें लड़का और लड़की पहली और दूसरी पार्टी बनेगा, जिसमें वो अपनी सारी कंडीशंस, अपनी कहते रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी चीजें लिखवाएं कि वो कब से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कहाँ पर वो रहेंगे, और जब वो रिलेशनशिप में जाएंगे तो फिर खर्चा कौन उठाएगा और किस तरह से उनके खर्चे आगे भी कहते किए जाएंगे। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप एक एग्रीमेंट बनवा लें। एग्रीमेंट में लड़का पहली पार्टी बनेगा और लड़की दूसरी पार्टी बनेगी, और अगर आप उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं तो आप उसे नोटराइज करा लें। और जब आप उसे नोटराइज करा रहे हैं तब आप ये चीज का ध्यान रखें, जो नोटरी पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें पढ़वाएं और स्टैंप भी जरूर लगवाएं। इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो जो आपने एग्रीमेंट बनवाया है उसकी लीगल वैल्यू हो और वो आपके काम आ सके। आप लोग आपसी सहमति से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशन अपनी मर्जी के साथ में एक दूसरे के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और किसी का कोई दबाव नहीं है, और आप पूरे अपने होश हवास में इस तरह की चीजों को करने की आप लोग एक दूसरे को सहमति दे रहे हैं। और इन सारी चीजों को अगर आप इस तरह से बनवाते हैं तो एक तो ये होती है कि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फादर, मदर, सिस्टर या ब्रदर कोई है, तो उनको इस तरह के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ता है कि उन लोगों ने आपको इस तरह की चीजों में सहायता दी या उनके कहने से आपने उसको बहला फुसला के अपने साथ में रिलेशनशिप में रखा। तो एक तो ये होगा कि सेफ एंड साइड होगी आपकी फैमिली के लिए, आपके फैमिली पर्सन पीस ऑफ माइंड से रह सकेंगे कि आप इन सारी चीजों को उनके लिए कर रहे हैं। और दूसरा ये होगा, जब आप कंडीशन लिखवा रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन ये भी रखें कि आप दोनों आपसी सहमति से इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अगर इन फ्यूचर आपका ब्रेकअप होता है और आप दोनों अलग होते हैं तो कोई भी किसी पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगाएगा, आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में साथ रह रहे होते हैं, जब आप एक साथ रहते हैं दोनों लोग, तो कोई भी आपकी कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है या कुछ इस तरह की चीज कर सकता है कि वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत खतरा हो सकती है, या कह सकते हैं कि मान लीजिए आप उस रिलेशनशिप को ब्रेक करके कहीं शादी करते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसकी कंडीशन आप जरूर उस एग्रीमेंट में लिखवाएं कि इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह की कहते ब्लैकमेल या इस तरह की घटना, वो इस तरह का कार्य करेगा तो उसके ऊपर डिफेमेशन का सूट दायर किया जा सकता है और उसके ऊपर ये चीज करने का उनको पूरी पूरी आजादी होगी। इसके साथ ही आप कहते दोनों जब साथ में रह रहे हैं और आप एज ए हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो आपके कोई बच्चा होता है तो उस कंडीशन में वो बच्चा किसके पास में रहेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा, और अगर आपको मिलना होगा तो किस किस टाइम आप उस बच्चे से मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उस टाइम साथ में रहें और उसके बाद में आपका ब्रेकअप हो जाए। तो ये सारी कंडीशन भी आप उसमें मेंशन जरूर करवाइए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज होती है तो आपको एक तरह से कहा जाए कि उस बच्चे को, आपकी वजह से उस बच्चे के जीवन में किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बच्चा जो है वो कहते उसका अधिकार है कि उसे माता पिता दोनों का प्यार मिलेगा और उसको एक अच्छी परवरिश मिलेगी। तो इन सारी चीजों का आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके साथ ही आप खर्चे वाली जो चीज है उस पर कई बार बहुत ज्यादा आपस में मनमुटाव होता है, तो ये जरूर रखिए कि खर्चा कौन कितना कैसे करेगा। अगर आप दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो आप इक्वली दोनों खर्चा करेंगे, और अगर कहते मान लीजिए अगर लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, वो वर्किंग नहीं है, तो उस कंडीशन में वो साफ मेंशन करे कि जो खर्चा है वो लड़का पूरा उसको करेगा, क्योंकि कल को इस तरह की खर्चे को लेके कोई उनके बीच में मनमुटाव ना हो। साथ रह रहे हैं तो आप पीस के साथ अच्छे तरह से एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ में रहेंगे, किसी तरह की डोमेस्टिक हिंसा का आपके उस रिलेशन में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो उसके अगेंस्ट आपको केस करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। इसके साथ ही अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक अलग से रेंट पर घर लें, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो आपके जो फैमिली पर्सन है उनके ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशन ना लगाए, क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तब तो सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और आप एक दूसरे का बहुत आप अच्छा ही अच्छा सोचते हैं,
परंतु प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब आपके बीच में डिस्प्यूट आने शुरू होते हैं, आपके बीच में प्रॉब्लम आने लगती है, तब आप उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक दूसरे के पेरेंट्स के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फैमिली को भी इस तरह की चीजों में पढ़ना पड़ता है, उनको भी एक तरह से मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए आप, अच्छा है कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, अपने लिए चुन रहे हैं, तो उसमें आप अपनी फैमिली को दूर रखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा ही रहेगा। इसके लिए अच्छा हो कि आप एक घर रेंट पे ले और आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाए जिसमें लड़के लड़की दोनों के नाम हो, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हो सकता है, ये आपके लिए एक प्रूफ बनेगा कि दोनों अपनी मर्जी से एक साथ घर लेके किराए पे रह रहे हैं। उसमें ये भी मेंशन हो कि कौन इसका रेंट देगा, कौन इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, और ये सारी कंडीशंस उसमें जरूर रखें, क्योंकि आप म्यूचुअली आपसी सहमति से साउंड माइंड के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशन में जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रूफ हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सारी बारीकियों का ध्यान रखते हुए भी अगर आपके साथ में किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो भारत में आपके लिए कानून है, उसका आप सहारा लीजिए। आपके साथ में अगर किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का जो सेक्शन 2F है उसके तहत डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो परिभाषा है उसमें लिविंग रिलेशनशिप को भी शामिल किया गया है। यानी कि जिस तरह से एक मैरिड कपल को इस एक्ट के तहत सुरक्षा दी गई है कि वो अपने साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत कर सके, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को भी उसका पूरा पूरा अधिकार दिया गया है कि अगर उसके साथ में किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। और अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ होता है और आपका पार्टनर अगर आपके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो आप अपने पार्टनर से CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस ले सकते हैं और एक अलिमनी की भी मांग कर सकते हैं। अगर आपके साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आप उससे अलग भी हो सकते हैं और उसको आपके लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप दोनों साथ में रह रहे हैं और आपके कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा भी लीगल माना जाएगा और उस बच्चे को उसके पिता की संपत्ति में भी अधिकार होगा और उसकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको जो विरासत में मिली है संपत्ति, पैतृक संपत्ति, उसमें भी उसका बच्चे का अधिकार होगा और वो लीगल माना जाएगा। क्योंकि एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 114 है वो कहता है कि अगर लिविंग रिलेशन में आप इस तरह के संबंध में रह रहे हैं तो वो एक शादीशुदा संबंध ही है, उसी के अनुसार उसको माना गया है और उससे पैदा हुए बच्चे को लीगल माना जाएगा और उसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और भगवान ना करे आपके साथ में कुछ इस तरह की घटना होती है कि आपकी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी उस पार्टनर को एक पत्नी के ही तरह माना जाएगा और उसे भी अपने पार्टनर की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, उसकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी उसको अधिकार मिलेगा और वो उसके लिए मेंटेनेंस की भी मांग कर सकती है उसकी पैतृक संपत्ति में से भी। इसके साथ ही हम आशा करेंगे कि आप एक लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो आपका एक पीसफुल और सक्सेसफुल रिलेशन हो और आपके साथ में किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमें हौसला देता है। धन्यवाद। राजसत्ता TV पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।